हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग बेटा? गुड. सो वंस अगेन वेलकम टू केमिस्ट्री जलवा. सो व्हाट्स न्यू इन जलवा टुडे? बच्चों आज एक बढ़िया सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ. मेडिकल का फेवरेट है, मेडिकल में फेवरेट है बेटा. खूब सवाल आया इसका, ठीक है? एक आपने नाम सुना हो कुछ लोगों ने, बेंजाइन मैकेनिज्म. 11th क्लास वालों को समझ में नहीं आएगा, 12th वाले प्रॉपर बैच समझ पाएंगे. बेंजाइन मैकेनिज्म, ठीक है? तो आज इसको देखते हैं. बेंजाइन मैकेनिज्म में बेटा एक क्वेश्चन मेडिकल में है, आता जरूर है और होता गलत है और है बहुत सिंपल सा. तो लेट्स स्टार्ट बेंजाइन मैकेनिज्म, ठीक है ना बेटा? चलिए हेडिंग डाले हैं, बेंजाइन मैकेनिज्म. जी बेंजाइन क्या होती है? जी दिस इज बेंजीन. बेंजीन में अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो दैट इज कॉल्ड बेंजाइन. क्या बोलते हैं इसको? बेंजाइन. या इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप बेंजीन को अंदर एक सर्कल खींच देते हो, ऐसा भी लिखा हो सकता है, पहचान जाना कि दिस इज बेंजाइन. कभी ये समझने लगो कि ये डंडा मिसप्रिंट हो गया, ये बेंजीन लिखा है, नो वे, दिस इज बेंजाइन, ठीक है? बेंजाइन बेटा एक इंटरमीडिएट होता है, हाईली हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक? इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से हाईली हाईली अनस्टेबल है. क्यों अनस्टेबल है, क्या इसकी ज्योमेट्री है, आपको देखने में एसपी लगता होगा. ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 होता है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp पढ़ा है आपने, तो आपको लग रहा है ये sp है. इनफैक्ट ये sp2 कार्बन है बेटा, ये दोनों कार्बन sp2 होते हैं. इसकी पूरी डिटेल, पूरी डिस्कशन मैंने करी है इंटरमीडिएट्स में. क्या है? इंटरमीडिएट्स में. तो अगर आपको नहीं पता तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करो, आप खोल लो GOC, वहां खोलना इंटरमीडिएट्स, और इंटरमीडिएट्स में बेंजाइन की पूरी बॉन्डिंग पढ़ाई है, कैसे कैसे होता है, ठीक है ना? तो वहां से आप इसको पढ़ लीजिएगा. तो फिलहाल बेंजाइन इज अनस्टेबल ड्यू टू दिस ट्रिपल बॉन्ड. चलिए साहब, अब कैसे फॉर्मेशन होती है इसकी, कैसे रिएक्शन है इसकी, ये बात है अपने को देखनी है. चलिए साहब देखते हैं. जी मैंने लिया क्लोरोबेंजीन और इसका रिएक्शन कराया मैंने NaNH2. सभी लोग जानते हैं NaNH2 सोडामाइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है. आप NaNH2 लिख सकते हो, आप KNH2 ले सकते हो, आप लिथियम NH2 ले सकते हो, आपको खाली NH2 नेगेटिव लिखा मिल सकता है. एक ही बात है, समझ जाना, एक ही बात है, ठीक है? अच्छा अब इससे होना क्या है, आइए इधर ध्यान दीजिएगा. ये जो हाइड्रोजन है NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है? Na+ NH2 नेगेटिव. इस बेस ने क्या करना है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को खींचना है. S+ को यहां से पुल करेगा, यहां नेगेटिव बचेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां ट्रांसफर होगा, Cl नेगेटिव निकल जाएगा, इट गिव्स बेंजाइन. ये देखो ऐसा हुआ है, NH2 नेगेटिव ने अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसको दिए, एच को दिए, एच प्लस के इलेक्ट्रॉन ये आ गए, ट्रांसफर हो गए, यहां नेगेटिव आ गया होगा, ये नेगेटिव आया, ये नेगेटिव यहां छोड़ा इसने, सीएल नेगेटिव यहां से गया होगा, तो एक ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो गया, दैट इज बेंजाइन. अब इस पर मैं जोड़ रहा हूं अमोनिया, H+ NH2-. अब जरा बताओ सोच के, ये बॉन्ड कैसे ट्रांसफर हो, ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, तो एडिशन होगा ट्रिपल बॉन्ड पे. बॉन्ड ऐसे ओपन हो या ऐसे ओपन हो, दोनों साइड ओपन हो सकता है, ध्यान से देखेंगे. अगर ये ऐसे ओपन हुआ तो ये प्लस और ये माइनस, तो NH2 कहां आया होगा, ये वापस बेंजीन रिंग, ये NH2. और अगर बॉन्ड अपोजिट डायरेक्शन में गया होगा, ध्यान से देखें, अगर बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इधर ट्रांसफर हुआ तो ये प्लस ये माइनस, NH2 यहां आया होगा, दिस विल बी द प्रोडक्ट. और अगर बॉन्ड इस साइड ट्रांसफर हो, अपोजिट साइड ट्रांसफर करें, तो यहां प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा, NH2 यहां आएगा. आराम से चेक कर लो, ट्रिपल बॉन्ड एक बार इधर ब्रेक करो, एक बार इधर ब्रेक करो, बताओ दो प्रोडक्ट बनेंगे नहीं बनेंगे? बोले सर दो प्रोडक्ट कहां है, ये तो एनिलीन ही बन रहा है, ये तो एनिलीन ही बन रहा है, एक ही प्रोडक्ट है. चलिए मैं ऐसा करता हूं आपके लिए, इस कार्बन को मार्क कर देता हूं स्टार, या आइसोटोप है कार्बन 14 हो जा, तो बताओ ये कार्बन ये वाला है नहीं है.
बताओ ये कार ये वाला था कि नहीं था। अब बताओ दो डिफरेंट प्रोडक्ट दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं। क्या दिखाई दिया? एक बार जहां से ग्रुप गया, सीएल जहां से गया, NH2 वहीं आया। ग्रुप जहां से गया, ग्रुप वहीं आया। और एक बार जहां से ग्रुप गया, कमी इनकमिंग ग्रुप वहां ना आके उसके पड़ोस की पोजीशन पे आया। ठीक है, इसे कहते हैं नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन, इसे कहते हैं नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, और इसको कहते हैं साइंस सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? साइंस सब्स्टिट्यूशन। यानी जब ग्रुप निकलने वाले ग्रुप के पड़ोस में एंट्री करे, जब ग्रुप निकलने वाले ग्रुप के जहां से ग्रुप जा रहा है वहीं पर एंट्री कर रहा है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, और वहां ना जो उसके पड़ोस में एंट्री कर रहा है तो साइंस सब्स्टिट्यूशन है। तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, इक्वल प्रोडक्ट बनते हैं 50-50%, 50% ये, 50% ये। ठीक है, इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म क्या बोलते हैं अपन? बेंजाइन मैकेनिज्म। तो बेटा क्या हुआ? NH2 नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए? हाइड्रोजन को दिए, वहां से H+ को खींचा, उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, नेगेटिव अंदर ट्रांसफर हुआ, Cl बाहर गया, इट गिव्स ट्रिपल बॉन्ड। इसकी वजह से वन स्टेबल है, इसकी वजह से वन स्टेबल है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बार उधर एक बार इधर, यू गेट टू प्रोडक्ट्स। वन इज नॉर्मल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, यू गेट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, एंड द अदर वन इज साइंस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बताइए इतनी बात समझ आती है? दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड दिस बेंजाइन मैकेनिज्म। बोलो समझ में? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। आपने बोला ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है और ये साइंस सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन वर्ड यूज करा है, बट ओवरऑल ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन नहीं है। इट इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। इट इज एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। आराम से सब लोग चेक करें और बताएं पहले क्या हुआ। इधर से एच गया, इधर से सीएल गया, एलिमिनेशन हुआ, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना। हाँ या ना बेटा? एचसीएल का एलिमिनेशन हुआ है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना है। एलिमिनेशन एक्स्ट्रा बॉन्ड, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, पाई बॉन्ड बनता था ना, तो ये तो हुआ एलिमिनेशन। और अमोनिया पे ऐड हुआ, अमोनिया पे ऐड हुआ, तो बताओ एडिशन हुआ कि नहीं हुआ? तो पहले स्टेप में एलिमिनेशन है, दूसरे स्टेप में एडिशन है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। बट इंपॉर्टेंट इज आपको दिखता क्या है? आपको दिखता सब्स्टिट्यूशन है। जरा मुझे बताओ क्या रिएक्शन है? क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनी। क्या रिएक्शन है बेटा? क्लोरोबेंजीन का NaNH2 अमोनिया से रिएक्शन कराएं, इट गिव्स एनिलीन, यानी सीएल गया NH2 आया। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है आपको? आपको दिखा कि साहब सीएल गया और NH2 आया। हाँ या ना? हाँ या ना? आपको यही दिख रहा है ना? तो आपको दिखेगा सब्स्टिट्यूशन, बट इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करा जाए। ये सब्स्टिट्यूशन है नहीं, भले ही आप बोल रहे हो आपको दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन होता हुआ, बट इट इज एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। बोले तो एक बात बताओ सर, आप कह रहे हो सब्स्टिट्यूशन नहीं है लेकिन सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्यों दिख रहा है? आइए दिखाता हूं। देखो बेटा, जब एलिमिनेशन हुआ तो दो ग्रुप एलिमिनेट होते हैं, H और Cl एलिमिनेट हुए, H और Cl गए। एडिशन में दो ग्रुप ऐड होते हैं, जब ऐड होने का नंबर आया तो H और NH2 ऐड हो गए, H और NH2 ऐड हो गए। तो जरा देखना स्थिति क्या बनेगी। H और Cl निकले थे, H और NH2 ऐड हो गए, तो H तो ऐसे दिखाई देगा आपको। तो आपको ओवरऑल क्या दिखाई दिया? कि Cl गया NH2 आया। हाँ बेटा, अब क्या दिखाई देगा ओवरऑल? कि सीएल गया और NH2 आया। तो आपको दिखेगा ये सब्स्टिट्यूशन, जबकि हुआ क्या है? एलिमिनेशन एडिशन। एक ग्रुप कॉमन था ना, जो गया वो वापस आ गया, तो आपको दिखेगा सीएल गया NH2 आया, तो आपको लगा ये सब्स्टिट्यूशन है। बट मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। क्लियर? ओके, नाउ अभी दोनों इक्वल प्रोडक्ट बन रहे हैं 50-50%। अब मान लो कोई ग्रुप पहले से ही प्रेजेंट हो, कोई ग्रुप हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट हो, तब क्या होगा? आइए दिखाते हैं।
सपोज ए ग्रुप जेड पहले से प्रेजेंट है, अब देखेंगे आप एनएच टू नेगेटिव, यहां पे देखो सब लोग, यहां पे देखे सब लोग, ये तो जेड है, ये ग्रुप तो यहां तो ब्लॉक हो गया, ये हाइड्रोजन है, अगेन वही हुआ होगा, अगेन वही हुआ होगा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन एच को दिए, ये नेगेटिव बना होगा, इसने अपने ट्रांसफर करा, सीएल नेगेटिव गया होगा। बताइए साहब बेंजाइन तैयार हुई नहीं हुई? जी बिल्कुल बेंजाइन है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, नाउ देर आर टू पॉसिबिलिटीज, क्लियर कट आपको दिखाई देंगी, बॉन्ड एक बार इधर तो ये प्लस ये माइनस। जी साहब अमोनिया एच एन एच टू, अगर बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो रहा है तो एनएच टू यहां ऑर्थो पे आ रहा है, जेड के ऑर्थो पे एनएच टू आ रहा है, और अगर बॉन्ड ऊपर के साइड ट्रांसफर हो रहा है तो यहां प्लस बनेगा, यहां माइनस बनेगा, एनएच टू मेटा पे आ रहा होगा। आराम से चेक कर लीजिए बेटा, अब इस वजह से पहचानिए कौन ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है, कौन सर्वन साइन सब्स्टिट्यूशन है। सीएल जहां से गया वो ये है, वो शायद ये है, और वो शायद ये है, चेक करिए आराम से, जहां से सीएल गया वहां एनएच टू आया, दिस इज अ नॉर्मल प्रोडक्ट, और यहां से पड़ोस में आया, दिस इज द साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। इस बार दोनों मेजर प्रोडक्ट नहीं है, दोनों इक्वल प्रोडक्ट नहीं है, कौन मेजर है कौन माइनर है 5 मिनट के बाद बात करूंगा, ठीक। केस नंबर टू, जेड और ये सीएल लगा इस बार, ध्यान से देखें एनएच टू नेगेटिव, इस बार दो बेंजाइन पॉसिबल हैं, अगर एच यहां से गया, अगर एच यहां से गया तो ट्रिपल बॉन्ड यहां आएगा, और अगर एच यहां से गया तो ट्रिपल बॉन्ड यहां आएगा, आराम से देखें, इससे दो प्रोडक्ट बनने हैं एच प्लस एन एच टू माइनस, इससे भी दो प्रोडक्ट बनने हैं, देखिएगा कैसे, बॉन्ड या तो इधर ट्रांसफर होगा, बॉन्ड या उधर ट्रांसफर होगा, इधर ट्रांसफर हो, अब देखो ना एनएच टू एक बार तो यहां और एक बार यहां, यहां बनेगा ऑर्थो और मेटा का प्रोडक्ट, एक बार ऑर्थो और एक बार मेटा, अब इसमें देखो चूंकि ट्रिपल बॉन्ड यहां, तो एक बार यहां ऐड होगा, एक बार यहां ऐड होगा, तो एक बार एनएच टू मेटा पे आएगा, एक बार एनएच टू पैरा पे आएगा, तो एक मेटा और पैरा का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, अगेन चार प्रोडक्ट नहीं तीन प्रोडक्ट हैं, ये तो कॉमन है ना, ये तो कॉमन आ जाएगा ना, मेटा वाला प्रोडक्ट कॉमन है, तो तीन प्रोडक्ट होंगे, ऑर्थो भी है, मेटा भी है और प्रायर भी है। नाउ विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट, अभी आएगा, सब आएगा, हैव पेशेंस, और लास्ट केस है इसका बेटा, जी अब एच चाहे यहां से निकालो और चाहे यहां से निकालो, एक ही बात है, चाहे इधर से निकालो इधर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इधर से निकालोगे इधर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है, एक ही बात है। अब बताओ फिर से टू प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, या तो एनएच टू यहां पे आएगा या एनएच टू यहां पे आएगा, बॉन्ड या तो इधर ओपन होगा या बॉन्ड इधर ओपन होगा, यानी एक मेटा पे और एक पैरा पे, एक मेटा पे और एक पैरा पे। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स, दीज आर द पॉसिबल प्रोडक्ट्स। अब इनमें से कब कौन सा मेजर होगा ये सवाल है क्या, पहले आप मैकेनिज्म को ढंग से समझ लो, मैं फिर से एक बार आपको मैकेनिज्म समझा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनेंगे। क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन का केस लिया, NaNH2 KNH2 लिथियम NH2 NH2 नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस,
स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन एस को दिए, एस के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुए, नेगेटिव चार्ज यहां पर आया, ये नेगेटिव अंदर उतरा बेंजीन में, उधर से सीएल नेगेटिव निकल गया, तो इधर से एच गया, इधर से सीएल गया, ये तो हुआ एलिमिनेशन। और चूंकि अल्फा बीटा एलिमिनेशन तो पाई बॉन्ड बन गया, इस पाई बॉन्ड की वजह से इसको बोला गया बेंजाइन, वाई एनी बेंजाइन, ठीक है, वाई एनी बेंजाइन, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। अब चूंकि ट्रिपल बॉन्ड की वजह से अनस्टेबल है तो इस पर एडिशन भी होगा, अमोनिया ऐड कर दो एच प्लस एनएच टू, बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो, दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। पहले देखने में लगा कि एनिलीन ही बन रही है, लेकिन अगर हम उस कार्बन को मार्क कर दें, कार्बन को हम रेडियोएक्टिव कार्बन 14 ले लें सपोज, लेवल कर दें, तो एक बार तो जहां से सीएल गया ग्रुप वहीं आया, और एक बार जहां से सीएल गया ग्रुप उसके पड़ोस में आया, अगर वहीं आया दैट इज कॉल्ड नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन, और अगर उसके पड़ोस में आया दैट इज कॉल्ड साइन सब्स्टिट्यूशन। अब आप बोल तो रहे हो सब्स्टिट्यूशन, बट इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बस यही से सवाल गलत होंगे सबके। आइए साहब, अभी तो क्लोरोबाइन नहीं था, मान लीजिए जेड ले लिया अपन ने, जेड ले लिया अपन ने, ठीक है, तो अब एक बार जेड के ऑर्थो पे क्लोरीन है, एक बार जेड के मेटा पे क्लोरीन है, एक बार जेड के पैरा पे क्लोरीन है, तीन केस हमने बना लिए। यहां से बेंजाइन बनी ट्रिपल बॉन्ड, अब एक प्रोडक्ट यहां बनेगा, एक प्रोडक्ट यहां बनेगा, एक एनएच टू एक बार यहां आएगा, एक बार यहां आएगा, जब ये हुआ तो यहां से जाए तो ये बेंजाइन बने, और यहां से जाए तो इधर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, टू बेंजाइन्स आर पॉसिबल, ठीक। अब देखो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड पैड होना है, एनएच टू यहां आया तो ऑर्थो, यहां आया तो मेटा, दो प्रोडक्ट आए इसमें, देखो एनएच टू यहां आया तो मेटा, और एनएच टू यहां आएगा तो पैरा का प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह देखे पैरा पे था तो एस यहां से जाए या यहां से जाए, दैट वुड बी द सेम थिंग, तो बेंजाइन ये हो या यहां ना हो एक ही बात है। अब फिर से एनएच टू या तो यहां आएगा या यहां आएगा, यानी मेटा पे एक बार पैरा पे, सो दीज आर द पॉसिबल प्रोडक्ट्स। नाउ द मेन क्वेश्चन, कब सवाल उठता है, कब कौन सा मेजर प्रोडक्ट है? चलिए बेटा, इस पूरे मैकेनिज्म का एक ही रूल है, एक रूल सुन लो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे जेड लगता है तो कब कौन सा मेजर है, डिपेंडिंग अपॉन जेड, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, डिपेंडिंग अपॉन जेड। बोलो क्या, कि जेड विड्रॉइंग है या डोनेटिंग है? बेटा जेड दो ही तो केस हो सकते हैं, या तो विड्रॉइंग हो या डोनेटिंग होगा, ठीक है, ओके। नाउ अगर जेड विड्रॉइंग है, याद करो ऑर्थोमेटा पैरा डायरेक्टिंग याद है, अगर जेड विड्रॉइंग है तो मेटा इज द मेजर प्रोडक्ट, और जेड अगर डोनेटिंग है तो ऑर्थो पैरा, जल्दी बोल दो हाँ ना। अब सपोज ये जेड विड्रॉइंग है तो मेटा, और डोनेटिंग है तो ऑर्थो पैरा में से ऑर्थो वाला, ठीक। अगेन देखो, जेड अगर विड्रॉइंग है तो मेटा, डोनेटिंग है तो ऑर्थो पैरा, जेड अगर विड्रॉइंग है तो मेटा, डोनेटिंग है तो ऑर्थो पैरा में से पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा? नहीं होगा। यही गलती है बेटा जो सारे लोग करते हैं, ध्यान सुनेंगे सब लोग। ये जो ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स थे जो आपने पढ़े थे मीजोमेरिक इफेक्ट से, वो कौन से रिएक्शन के लिए थे? वो थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। बेटा कोई ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है किसके लिए? इलेक्ट्रोफाइल के लिए। कोई ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है किसके लिए? इलेक्ट्रोफाइल के लिए। तो वो जो आपने ऑर्थो मेटा पैरा पढ़ा है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में था। भाई साहब ये तो सब्स्टिट्यूशन ही नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल की तो बात छोड़िए आप। तुम्हें मेरी बात ही समझ नहीं आ रही बेटा। हर व्यक्ति इसमें गलती क्या करता है, वही फंडा लगाता है ऑर्थो मेटा पैरा वाला। कान खोल के सुन लो, इसमें ऑर्थो मेटा पैरा वाला फंडा नहीं लगेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है। वो ऑर्थोमेटा पैरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होता था, दिस इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये तो सब्स्टिट्यूशन ही नहीं है। तो फिर ये उससे तो नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा? वही बात क्लियर हुई, ये ऑर्थोमेटा पैरा वाले फंडे से नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? इसके लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करो बेटा, ओपन करो, एरोमेटिक ओपन कर लेना वहां, एरोमेटिक बेंजाइन मैकेनिज्म, पूरी डिटेल एक ही रूल समझाया हुआ है, सारे सवाल उसी से हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये आप कैश है, आप क्या करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक क्लिक करना है, एरोमेटिक खोलिए, उसमें बेंजाइन मैकेनिज्म में जाइए और फिर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। क्लियर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और इसके अलावा वहां पर यह और डिस्कशन किया गया है कि बेंजाइन और कैसे कैसे बन सकती है। बेटा बेंजाइन की एक ही प्रिपरेशन दिखाई गई आपको, बुक्स में एक ही प्रिपरेशन है, कॉम्पिटिशन और भी आती है, तो वो भी उसके बाद डिस्कशन किया गया है कि बेंजाइन और कैसे कैसे बनता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, चलिए।